नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। दोस्तों, बीते गुरुवार को एक बेहद ही जो चिंताजनक या कहें दुखद खबर कतर से आई, जहां पर ऐसा बताया जा रहा है, भारतीय गवर्नमेंट द्वारा ऐसा कहा गया है अपने बयानों में और कई सारे अलग अलग सोर्सेस से ये भी पता चला है कि वहाँ पर भारतीय नौसेना के 8 जो सैनिक थे, अधिकारी थे जो पूर्व, उनको मौत की सजा सुनाई गई है। आपको बता दूं कि जो जो सोर्सेस से पता चला या जो परिजनों से पता चला, उन सब से यही अभी तक पता चला है कि ये जो पूरा मामला है, ये एक जासूसी के मामले में जो ये जो 8 अधिकारी हैं नौसेना के, उन्हें अब जो है मौत की सजा सुनाई गई है। कतर की जो राजधानी है दोहा, वहाँ की कोर्ट ने जो है इन्हें फांसी मौत की सजा सुनाई है। आपको बता दूं कि इसके बाद से ही पूरे देश में कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरा देश शॉक में है। भारत सरकार लगातार जो है अपनी जो भी डिप्लोमेसी होती है उसको यूज़ कर रही है इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए कतर सरकार से, क्योंकि कतर जो गवर्नमेंट है उसने अभी तक, कतर की जो अथॉरिटीज़ हैं उसने किसी ने भी ये क्लियर नहीं किया है गया है कि किन चार्जेस में, किन आरोपों में इन 8 नेवल ऑफिसर्स को, पूर्व नेवल ऑफिसर्स को, इंडियन नेवी ऑफिसर्स को उन्होंने गिरफ्तार किया है और अब ये सज़ा सुनाई है। आपको बता दूं कि इन्हीं जो नेवी ऑफिसर्स हैं, इन्हीं के परिजनों ने ही इस मुद्दे को पहले ट्विटर पे उठाया था, जिससे कि पूरे देश का ध्यान इस ओर गया। और अब जो है जो इसकी जो सुनवाई हुई थी वो शायद 29 मार्च को पहली बार हुई थी, उसके बाद से लगातार इसकी सुनवाई चल रही थी। भारत की तरफ से जो वकील हैं वो भी नियुक्त किए गए थे अपने इनको डिफेंड करने के लिए। इन तमाम चीज़ों के बीच कतर गवर्नमेंट ने, कतर की अदालत ने ये फैसला जो है वो सुना दिया है। आपको बता दूं कि जो ये तीनों रिटायर्ड जो नेवी ऑफिसर्स हैं, ये अल दोहरा कंपनी में बतौर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते थे। अल दोहरा कंपनी जो है वो दोहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी एक कंपनी है जो डिफेंस सर्विस के क्षेत्र में अपनी कंसल्टेंसी देती है, एडवाइजिंग करती है। लगभग ये समझ लीजिए आप, कोई भी कतर गवर्नमेंट जो है वो इसके साथ अनुबंधित है। और आपको बता दूं कि ये जो कतर गवर्नमेंट को क्या, कौन से हथियार खरीदने हैं देश की सुरक्षा के लिए, कौन सी पनडुब्बियाँ खरीदनी हैं, कौन से जहाज खरीदने हैं, किस तरीके की सुरक्षा रखनी है देश की, इन सभी मामलों में जो ये है सीधे तौर पर उन्हें कंसल्ट करती है, एडवाइस देती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण कंपनी है ये। और जो इस कंपनी का ओनर है वो, उससे बताया जा रहा है कि वो ओमान का एक नेशनल है, ओमान का नागरिक है, ओमान देश का, और वो ओमान की रॉयल एयरफोर्स में जो है वो वहाँ से रिटायर्ड है, स्क्वाड्रन लीडर था, जो जिसकी ये कंपनी बताई जा रही है। आपको बता दूं कि इन 8 जो भारत की नेवी के जो ऑफिसर्स हैं, पूर्व ऑफिसर्स हैं, उनके साथ साथ उस ओनर को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ वक्त बाद उसे छोड़ दिया गया। लेकिन इन सभी जवानों को अभी भी कैद में रखा गया है और अब कतर की अदालत ने ये फैसला जो है वो सुना दिया है। कतर की कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कतर जो कोर्ट है, उसने ये फैसला दोहा में, जो उनकी राजधानी है, वहां पर सुनाया है। भारत सरकार जो है वो कतर गवर्नमेंट से लगातार बात कर रही है। जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं, वो लगातार कांटेक्ट में हैं परिवारों के, जिनके जो जो अधिकारी जो है, पूर्व सैनिक जो है नेवी के, जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, उन बंधक हैं या कहें कैद में हैं, उनके परिवारों से लगातार बात की जा रही है। और जितने भी अधिकारी हैं, जो कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, ये सभी, इनमें से आपको बता दूं कि मैं लगभग 4 ऐसे अधिकारी हैं जो कमांड कर चुके हैं वॉरशिप को, मतलब कि जो युद्धपोत होते हैं उनके कमांडर रह चुके हैं नेवी में, भारतीय नेवी में। तो एक बड़े अधिकारी जो हैं ये इस पूरे मामले में, उनका जिस तरीके से ये आया है, आपको बता दूं कि जो अधिकारी हैं उनके नाम जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में बताए जा रहे हैं, उनमें से एक कैप्टन नवतेज सिंह गिल हैं, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ हैं, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी हैं, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा हैं, कमांडर सुगुन्नाकर पकला हैं, और कमांडर
संजीव गुप्ता हैं और कमांडर अमित नागपाल हैं और सेलर रागेश हैं। ये वो 8 अधिकारी हैं जो इस वक्त कतर की कैद में हैं, कतर की जेल में हैं, जिन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है। कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं लेकिन जिनके हम अभी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो मामला है बहुत सेंसिटिव है, इस पर कुछ भी हमारी तरफ से बोलना गलत होगा। कहीं ना कहीं भारत सरकार अपना काम पूरे तरीके से कर रही होगी, अगर हम कुछ भी इंटरप्रेट करते हैं या कुछ भी अनुमान लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा उन सैनिकों के लिए भी जो इस वक्त फंसे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं अलग अलग देशों की, अलग अलग जगहों की, जिसमें दूसरे ऐसे देशों का हाथ भी बताया जा रहा है इन सब के पीछे, जो नहीं चाहते कि भारत के सैनिक जो हैं वो छूटें या फिर इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन चीज़ों को अभी कहा नहीं जा सकता है स्पष्ट, क्योंकि ये मैटर बहुत सेंसिटिव है और हम नहीं चाहते कि हमारी किसी भी एक गलत कदम से या हमारे किसी भी एक गलत शब्द से या हमारी किसी भी एक गलत अनुमान से किसी भी सैनिक की जान जो है वो खतरे में पड़े। अगर ये मामला आसानी से और पूरे पेशेंस के साथ जो भारत सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उस तरीके से सुलझाया जा सकता है डिप्लोमेट के ज़रिए, जो भारत के बाहर दूतावासों में जो चल रही है कार्रवाई उसके ज़रिए सुलझाया जा सके तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम सारी कयास, बहुत सारे कयास ऐसे आ रहे हैं जिससे कि बात बिगड़ सकती है कतर गवर्नमेंट से। हमारी पहले से ही इतनी ज़्यादा कतर गवर्नमेंट से नहीं बनती है भारत सरकार की, और क्योंकि भारत जो है वो इज़राइल का लगातार साथ देता है, इस पर ये भी एक बहुत बड़ी वजह है बहुत सारे कंट्रियों की भारत से नाराज़गी के चलते। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भारत सरकार के हाथों में हैं, भारत सरकार के पूरे अंडर में हैं और वो पूरी तरीके से इस पर निगरानी अपनी बनाए हुए है। शिवालिक जनरल प्रार्थना करता है कि हमारे जो 8 सैनिक जो इस वक्त कतर में फंसे हुए हैं वो सुरक्षित देश वापस आएँ, और अब भारत के लिए, भारत सरकार के लिए वक्त है उस चीज़ को साबित करने का जिसको हमने अक्सर देखा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी विदेश नीति, उनकी कूटनीति को बहुत सराहा जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन अब ये असली एक तरीके से अग्नि परीक्षा है उनकी कि वो किस तरीके से अपनी इस विदेश नीति का, जिसका वो पूरे हर जगह ऐड करते हैं, प्रचार करते हैं, अपनी रैलियों में बताते हैं, उसको किस तरीके से निभाते हैं अपनी विदेश नीति को, और किस तरीके से वो कतर से हमारे जो जवान हैं उनको वापस लाते हैं। अगर वो उनको वापस लाने में कामयाब रहे तो वाकई में उनकी विदेश नीति जो है, जो उन्होंने इतने दिनों में बनाई है अपनी, विदेशों में जा जा करके, विदेशों के दौरे कर करके, वो कहीं ना कहीं सफल हो पाएगी। अगर वो हमारे जवानों की जो जान है या उन्हें वापस नहीं ला पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी विफलता होगी एक देश के लिए, एक देश की सरकार के लिए और खुद निजी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है पिछले कुछ वक्त में, वो कतर के जो नेता हैं उनसे भी मिले थे, कतर के दौरे पर भी गए थे, ऐसे कई सारे देशों के दौरे पर गए जहां पर आज से पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, ताकि वहां से जो संबंध है उन देशों से भारत के सुधर सकें। लेकिन अगर इसके बावजूद भी एक प्रधानमंत्री खुद जाता है इतने बड़े देश का, इतने प्रभावशाली देश का किसी देश में, उसके बावजूद भी अगर उस देश से हमारे संबंध नहीं सुधर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी विफलता होगी। हम ये उम्मीद करते हैं और ये कामना करते हैं कि हमारे जो सैनिक हैं वो स्वस्थ और जल्द से जल्द भारत की जमीन पर वापस लौटें। जय हिंद, जय भारत। बी विद्या की एक छोटी सी पहल अपने देश के सभी वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए। आज ही डाउनलोड करें बी विद्या ऐप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।